स्टूडेंट्स दिस इज सिद्धार्थ जैन असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी दिस इज योर सेकेंड लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस वी विल अंडरस्टैंड द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इन दिस लेक्चर ओके हमने प्रीवियस लेक्चर में फिक्स एंड मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देखा था फिक्स एंड मूवमेंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं हमने एक केस देखा था जनरल जिसमें एक फिक्स बीम फिक्स बीम सेंटर्ड लोडिंग थी फिक्स बीम में एक सेंटर डबल लोड था उसमें हमने उसमें हमने यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट निकाला था एम ए बी बार वो आया था माइनस डब्लू एल अपॉन एट और एम बी ए बार जिस इज इक्वल टू प्लस डब्लू अपॉन एल अपॉन एट उसका हमने लेकिन ये फिक्स एंड मूवमेंट है फाइनल मूवमेंट हमने देखा था क्या क्या आया था लेकिन हमने उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम नहीं बना पाया था तो हम बनाते हैं हमने क्या कहा था कि जब भी फिक्स एंड मूवमेंट जब भी हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस करना हो इन इनडिटर्मिनेट बीम्स का तो हम क्या करते हैं हम दो अलग अलग भागों में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट में उस स्ट्रक्चर को सिंपली सपोर्टेड बीम मानकर सॉल्व करते हैं और उसका बेंडिंग वन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग वन डायग्राम है जिसमें जो सेंटर्ड बेंडिंग मूवमेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी डब्ल्यू एलोपॉन फोर याद होगा और सेकंड में क्या करते हैं केवल हम सारे फोर्सेस को हटा देते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को और केवल फिक्स एंड मूवमेंट का बेंडिंग वन डाइग्राम बनाते हैं तो हमने देखा था कि उस केस में जो फिक्स एंड मूवमेंट आया था वो दोनों तरफ डब्लू एल अपॉन एट डब्लू एल अपॉन एट था ठीक है फिर हमने हमने देखा था कि हम जब फाइनल बेंडिंग वॉन्ड डायग्राम बनाते हैं किसी फिक्स बीम का तो दोनों बेंडिंग वूम डायग्राम को मर्ज कर देते हैं और जो कॉमन एरिया उसको हटा देते हैं जो रेस्ट ऑफ द एरिया बिल गेट द बेंडिंग बैंडिंग डायग्राम ऑफ दिस फिक्स बीम, ओके तो हम मर्ज करते हैं ना मर्ज कर देते हैं मर्ज कर दिया हमने मर्ज करने के बाद ये कॉमन एरिया कॉमन एरिया कौन सा है बीच वाला इसको हटा देते हैं और रिमेनिंग पार्ट रिमेनिंग पार्ट कौन सा है ये वाला रिमेनिंग पार्ट है इस रिमेनिंग पार्ट को हम सैडेड कर देते हैं तो तो हमको ये जो एरिया में लेकर जो बैंडिंग डायग्राम में लेकर ये बैंडिंग डायग्राम होगा फॉर मोमेंट डायग्राम फॉर ये लेकिन अब ये बैंडिंग मोमेंट डायग्राम अधूरा है अधूरा क्योंकि इसमें वैल्यू हमारे पास नहीं है ठीक है हमको ये पता है कि टोटल ऑर्डिनेट हमारे पास जो था वो ऑर्डिनेट हमारे पास टोटल ऑर्डिनेट हमारे पास था कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना था डब्लू एलपन फोर और ये वाला जो ऑर्डिनेट था ये हमारे पास था डब्ल्यू एलपोन एट तो हमको तो केवल जो सेटेड एरिया है उसका बैंडिंग उस, उसको उसको कंसिडर करना है तो उसकी वैल्यू सिंपल निकाल लेते हैं अगर टोटल डब्ल्यू एलपॉन एट है ये डब्ल्यू एलेपन एट सो टोटल डब्ल्यू पॉन फोर है और बच्चा खुशा पार्ट डब्बू एलेपोन एट है तो ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा ये वाला जो ऑर्डिनेट है वो हमारा सिंपल बन जाएगा डब्ल्यू एलेपोन फोर ठीक है तो इसको हम इस सॉरी ये वाला ऑर्डर जो बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा डब्लू एलपन एट और ये ऑलरेडी पहले से डब्लू एलपन एट ही ये और डब्लू एलपन एट था ही, तो इसको हम हटा देते हैं अपना ओरिजिनल से में लाते हैं इसको भी हटा देते हैं ओके okay. सो so, ये वाला भी डब्ल्यू एट तो इस 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 बीम की बात करें तो फिक्स बीम में जो मैक्सम मूवमेंट रहा है किसी भी पॉइंट पर या मैक्सिमम मूवमेंट पूरे स्ट्रक्चर में वो डब्ल्यू एल पन एट ही होता है क्योंकि हमारे पास तीन लोकेशन है जिसमें मैक्सिमम मूवमेंट डब्ल्यू एलपन एट आता है ठीक है अब यहाँ पर एक बात डिस्कस और कर लेते हैं जिसमें हमें दिखता है यहाँ हमने जब बेंडिंग मूवमेंट एफ एस एफ डी बी एम डी पढ़ा था तब हमने एक पॉइंट एक चीज़ टर्म पढ़ा था उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेक्ट ठीक है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेक्ट क्या होता था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्ट वो पॉइंट होता था जहाँ पर बैंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता था बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता था मूवमेंट साइन चेंज करता था बेसिकली ठीक है ध्यान रखना मूवमेंट साइन चेंज करता था लेकिन जीरो नहीं होता था मीन्स वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो इस केस में देखते हैं यहाँ से यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव गया मीनस ऊपर गया नीचे गया तो यहाँ पर दो पॉइंट हमारे पास मिल रहे हैं जिनको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टाफ्ट लग ठीक है हमारे पास कितने हैं दो ठीक है इसकी डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन निकालते हैं मोमेंट इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जीरो करके वो आप एस एफ डी बी एम डी में पढ़े थे लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये एक हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट ऑफ लक्जर है और ये दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट ऑफ लक्जर इसकी बात कर ली तो फिक्स बी में सिंपल बात कर ली कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रॉफ़ लक्चर होते हैं दो और उसके बाद बी एम डी भी हमने एक तरीके से ड्रॉ कर लिया है ना हमने प्रीवियस क्लास की बात कर ली एक सिंपल केस देख लिया है अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस की जो हमने कल दो दिन लिखाए थे लेकिन उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड केस आप और देख सकते हैं जैसे कि ये भी हमने सॉल्व किया कि फिक्स बीम में एक सेंटर्ड लोडिंग है जिसमें फिक्स एंड मोमेंट बनता है डब्ल्यू एल बाई एट माइनस का और प्लस का उसी तरीके से सेंट्रिक लोडिंग है तो ये बनेगा यू डी एल है तो मैंने डब्ल्यू एल स्को अपन ट्वेल्व और प्लस डब्ल्यू एल स्कोर ट्वेल्व और इस तरीके से बाकी केसेस आप देख सकते हैं इस तरीके से हम फिक्स एंड मूवमेंट निकाल सकते हैं बाई द मैथड ऑफ एरिया इक्वलिटी ऑफ एरिया ठीक है अब हम बात करते हैं आज के मेथड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड जो आपके सिलेबस में कंसीडर किए गए हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड क्या है बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हैं स्लोप एंड कंसीडर करके हम फाइनल में मूवमेंट निकालते हैं मूवमेंट क्यों निकाल रहे हैं हमारे हमारा जो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है बेसिकली उसमें अननोन क्या है फोर्सेस और रिएक्शंस बेसिकली रिएक्शंस क्या है मूवमेंट और फोर्सेस फोर्सेस तो हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्वेशन बट हमारे पास जो मूवमेंट्स बचते हैं वो नहीं निकल पाते हैं ठीक है तो इस मेथड इस की मदद से हम बेसिकली उन मूवमेंट्स को निकालेंगे बाय कंसीडरिंग द फिक्स एंड मूवमेंट ओके तो इस मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इस मेथड को प्रोफेसर जॉर्ज मैनी ने ए मैनी ने नाइनटीन में प्रजेंट किया था इस मैथड से हम स्टैटिकली इनडिटर्म बीम्स और फ्रेम्स को सॉल्व करते हैं एनलाइज करते हैं विथ जो रिजिड जॉइंट जिसमें रिजिड जॉइंट होते हैं ठीक है अब इस मेथड को पढ़ने से पहले कुछ साइन कन्वेंसन्स कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन क्या कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में पहला साइन कन्वेंशन होता है कि कि एट द एंड ऑफ एनी स्पान किसी भी इस्पान पर इस्पान के एंड्स पे जो क्लॉक डायरेक्शन है मूवमेंट होगा और क्लॉक डायरेक्शन में स्लोप होगा उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे कैसे अगर यहाँ पे फिक्स वीम है क्योंकि बीम है तो हमारे पास दो एंड हैं ए और बी दिस इज ए दिस इज बी तो यहां पर क्लॉक वाइज मूवमेंट हुआ दोनों जगह बात कर रहे हैं हम मूवमेंट को हम लेंगे पॉजिटिव एज वेल एज क्लॉक वाइज स्लोप क्लॉक वाइज स्लोप को भी हम लेंगे पॉजिटिव ओके okay. पहला रूल हो गया इसको ध्यान रखेंगे अभी हम इक्वेशन जनरेट करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की उस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इंडिटरमेट स्ट्रक्चर को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उस इक्वेशन को जनरेट करने के लिए पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कुछ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ दूसरा रूल है दूसरा कन्वेशन है द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द राइट एंड ऑफ द स्पान विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट बेसिकली देखना कि हम अगर किसी किसी बीम में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम अल्टीमेटली एक पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखते हैं हम किस पॉइंट पर राइट साइड डिफ्लेक्शन देखते हैं अगर हमारे किसी कोई बीम है इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम राइट साइड डिफ्लेक्शन देखते हैं राइट right साइड क्यों देखते हैं क्योंकि तो हम रिलेटिव डिफ्लेक्शन देखते हैं जरूरी नहीं है कि हमारे स्ट्रक्चर में किसी एक पॉइंट में डिफ्लेक्शन हो हमारे पास हो सकता है कि इसमें भी डिफ्लेक्शन हो उसमें भी डिफ्लेक्शन हो ओरिजिनल अगर हमारे पास देखें हम अगर माने हमारे पास जो बीम था उसकी ओरिजिनल एक्सेस ये थी और वो डिफ्लेक्ट होके इस तरीके से बन गया मींस इसमें यहां पर डेल्टा ए भी हुआ है और यहां पर डेल्टा बी भी, भी हुआ है बट फॉर द सॉल्विंग बाई द सॉल्विंग दिस मैथड हम इस मैथड में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर रिलेटिव रिफ्लेक्शन देखते हैं यानी कि हम इस ए लाइन ए लाइन के बेस मान के यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको डिफ्लेक्शन मानते हैं और इस रिफ्लेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं मीन्स हम जो डिफ्लेक्शन कंसिडर करेंगे अपने क्वेश्चन में वो होगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए ठीक है अगर डेल्टा जीरो है तो अल्टीमेट रिफ्लेक्शन हमारा डेल्टा बी हो जाएगा अगर केवल ए सिंक हुआ है तो ये जो रिफ्लेक्शन डेल्टा बी पे वो माइनस का हो जाएगा सिंपल समझ सकते हैं हम ठीक है तो दूसरा रूल है कि हम हमेशा जो राइट वर्ट साइड में जो जॉइंट है उसी पर रिफ्लेक्शन मानते हैं अगर रिफ्लेक्शन रिलेटिवली हुआ है तो हम रिलेटिव रिफ्लेक्शन निकालते हैं उस रिलेटिव रिफ्लेक्शन को ही अपने क्वेश्चन में अपने इक्वेशन में कंसिडर करते हैं क्वेश्चन में पुट करते हैं और अपने सॉल्यूशन गेट करते हैं ठीक है उसको बॉटम मानेंगे ठीक और तीसरा तीसरा रूल है तीसरा साइन कन्वेसन हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ द अदर अपर एंड टुवर्ड्स तो द राइट रिलेटिव लोअर विल पॉजिटिव ओके तो अगर राइट रिलेटिव है अपर एंड मीस राइट रिलेटिव मीस आगे सरक जाता है थोड़ा सा इधर साइड तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे इसकी बात हम करेंगे इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती ये दो साइन कन्वेशन मेनली याद रखना है इसकी मदद मतलब से हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ठीक है दो साइन कन्वेशन समझ चुके हैं अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आ, एक एग्जाम्स की हमने माना है कि हमारे पास एक ए बी बीम है इंटरमीडिएट बीम है ऑफ़ इंटरमीडिएट स्पान है ऑफ अ कंटिन्यूस बीम हम मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास थोड़ा सा जो हमारे पास एक स्पान है ऑफ कंटीन्यूअस बीम जिसमें ए पॉइंट हमारे पास है पी पॉइंट हमारे पास है जिसमें जो बी पर सेटलमेंट हो रहा है वो मानते हैं हम डेल्टा ठीक है हमारे पास एक स्पान है इंटरमीडियट बीम मतलब इंटरमीडियट स्पान है ऑफ कंटिन्यूस बीम एक्सटर्नल लोडिंग लगी हुई है हम मानते हैं कि यहाँ पर एक डब्लू वन लगा हुआ है यहाँ पर एक डब्लू टू लगा हुआ है ठीक है जो आई जो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो स्लोप जनरेट हो रहे हैं वो आई ए और हम आई ए और आई बी कंसीडर करते हैं ठीक डेल्टा विल्यू ट्रांसफर्स डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट ए राइट एंड बी विध रिस्पेक्ट टू ए ए के रिस्पेक्ट में जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा मानते हैं और एम ए बी मीनस इस पर जो मूवमेंट आ रहा होगा एम ए बी ए पर और एम बी ए मान लेते हैं हम बी पर फाइनल मूवमेंट है ये फिक्स एंड मूवमेंट नहीं है फाइनल मूवमेंट है जिसको हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली हम इन्हीं दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कुछ एजेंपन मान ली हमने एजेंप्स के बीम मान लिया इसी को हम सॉल्व करेंगे ठीक है अब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्लोड इक्वेशन ठीक है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो ए बी बीम है ए बी बीम है हमारे पास लोड सिस्टम है लोड सिस्टम हमारे पास एक ए बी बीम है जिसमें लोड लगा हुआ है और फिक्स एंड मूवमेंट कंसिडर करते हैं स्टार्टिंग में मीन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने अभी बात की थी कि जो लोड सिस्टम लोड सिस्टम हटा देते हैं सारा और हम सबसे पहले फिक्स एंड मूवमेंट को जनरेट करते हैं तो हमारे पास इसमें एम ए बी बार एम बी ए बार फिक्स एंड मूवमेंट आ रहा होगा दोनों सपोर्ट्स पर पहली इक्वेशन ठीक है पहली पहली कंडीशन ठीक है हम, हमने बात की थी कि जब भी को सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं कि पहली स्टेप उसमें हम आ, फिक्स एंड को हटा के सिपली सपोर्टेड बना देते हैं और लोड को कंसीडर करके हम सिंपल बर्न वूवन डायग्राम बनाते हैं तो हम दूसरा करते हैं कि लोड को हटा के सिर्फ केवल फिक्स एंड निकालते हैं तो सिंपल हम दूसरा पहला स्टेप कर दे रहे कि हमने क्या किया है कि लोड को हटा के केवल हमने फिक्स एंड मूवेंट डाइग्राम फिक्स एंड मूवेंट बनाए ठीक है और हम जानते हैं कि जो राइट लेफ्ट वर्ड मूवमेंट होता है वो नेगेटिव होता है वो हम बात करेंगे ठीक है दूसरा क्या करते हैं दूसरा क्या, क्या करते हैं कि हम अब हम करते हैं कि ए की फिक्सिसी को रिलीज कर देते हैं रिलीज मीन्स ए को हम मान लेते हैं हिंज जॉइंट और बी की फिक्सेसिटी को बने रह देते हैं इसको फिक्स मानते हैं तो अगर फिक्सेसिटी रिमूव करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर स्लोप आना जनरेट हो जाएगा स्लोप आ जाएगा तो कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर बन जाएगा ठीक है दिस इज़ दिस इज बी ठीक है अब इसकी फिक्सेसिटी को रिलीज किया है तो कुछ मूवमेंट लगा के हमने यहाँ पर स्लोप जनरेट किया होगा तो हमने इस पॉइंट पर एक मूवमेंट लगाया इसकी वैल्यू तो फोर ई आई बाई एल इंटू आई ए फॉर प्रोड्यूसिंग द स्लोप आई एट पॉइंट ए ठीक है अब इस तरीके से मूवमेंट अगर यहाँ पर लगाया फॉर दलोप आई ए यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा काउंटर बैलेंस करने के लिए तो इस मूवमेंट की वैल्यू होगी टू ई आई अपॉन एल इंटू आई ए उसी की वैल्यू उसी उसी का आधा वैल्यू हमारे पास मूवमेंट मूवमेंट ट्रांसफर हो जाता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम ठीक है तो जो दो स्टेप हमने फॉलो किया अब तीसरा स्टेप क्या है अभी हमने क्या किया कि ए कि की फिक्सिटी को रिमूव कर दिया बी की फिक्सिटी रखी हमने और यहाँ पर एक स्लोप जनरेट किया बाय द बाय प्रोड्यूसिंग अवमेंट फोर ई आई ए एल आई ये जिसके कारण यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा टू ई आई ए पॉन एल आइए ठीक है अब क्या करते हैं कि हम बी की फिक्सिसी को रिमूव कर देते है, हैं ए की फिक्सिटी को रखते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा इससे हमारे पास जो डायग्राम है जो स्लोप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एक मिनट से बना देता हूँ यहाँ पर आई बी बन जाएगा अब आई बी प्रोड्यूस हुआ है तो इसके लिए कुछ मूवमेंट लगाना हो लगाया लगाना होता था तो कुछ मूवमेंट लगाया था मूवमेंट की वैल्यू हमारे पता है मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास होगी फोर ई आई अपॉन एल इन आई बी जिसके कारण यहाँ पर एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा प्रोड्यूस हो जाएगा एक मिनट ओके सही मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा इसकी वैल्यू होगी टू ई आई अपॉन एल इन आई ठीक है हमने अभी दो स्लोप को कंसीडर कर लिया स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हमने क्या बात की थी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कंसीडर करते थे पहले हम स्लोप को मीन स्लोप्स निकालते थे दोनों ज्वाइंट पर हमने आई ए निकाला फिर आई बी निकाला फिर हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं फिर इन सभी चीज़ों को मर्ज कर देते हैं और मर्जिंग तो इक्वेशन बनती है वो कहलाती है हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन उसी इक्वेशन की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डिफ्लेक्शन डिफ्लैक्शन हम हाँ है किस तरीके से निकालते हैं डिफ्लेक्शन निकालते हैं रिलेटिव डिफ्लेक्शन डेल्टा एट द पॉइंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ठीक है तो हमने भी इक्वेशन में आई ए की कंसिडर कर लिया आई बी को कंसिडर कर लिया आई ए कंसिडर कैसे किया ए की फिक्सिटी को रिमूव कर दिया और स्लोप जनरेट किया आई को कैसे किया बी की फिक्सिटी को रिमूव कर दिया और उसको जनरेट किया अब है डेल्टा डेल्टा भी कर देते हैं डेल्टा करने के लिए जब हम डेल्टा प्रोड्यूस करेंगे मीन्स बी पर एक बी हम क्या करेंगे दोनों की फिक्सिटी को रिमूव नहीं करते दोनों की फिक्सिटी को बने रखते हैं लेकिन लेकिन हमारे पास कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा रिलेटो डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पर बी पॉइंट पर वो कितना होगा डेल्टा ए अब इस रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस किया इस रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने एक एक कारण हम प्रोड्यूस किया तो कुछ 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 मूवमेंट तो आएगी तो इस रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस किया तो एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा उस मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास होगी मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास होगी सिक्स ई आई ई आई सिक्स ई आई बाई एल delta, सेम मूवमेंट ही जनरेट होगा वैल्यू होगी सिक्स एल e square, एल हाँ है, है, हमने भी स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाने में सारे केसेस को कंसीडर कर लिया है हमने दोनों पॉइंट पर स्लोप uh, निकाल लिए हैं स्लोप से जो स्लोपूमेंट जनरेट हो रहा है उसको फाइंड कर लिया है साइन फिर हमने डिफ्लेक्शन निकाला डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हम रिलेटेड डिफ्लेक्शन निकालते हमको पता है पॉइंट टू ए निकाला और uh, उस, उसके कारण जो मूवमेंट जनरेट हुआ है दोनों पॉइंट्स पे उसको कंसीडर कर लिया अब क्या करते हैं इन सारे केसेस को मर्ज कर देते हैं और मर्ज करने के बाद जो इक्वेशन डेवलप होती है वो इक्वेशन कहलाते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ठीक है अब ध्यान रखना लेकिन हम साइन कन्वेशन को फॉलो करते हुए जाएंगे तो साइन कन्वेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या है साइन कन्वेशन थे कि हमारे पास क्लॉक जो मूवमेंट्स हैं उनको हम अगर पॉजिटिव लेंगे और क्लॉक वाइज स्लो आपको हम पॉजिटिव लेंगे ठीक है दूसरा क्या था डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन राइट साइड में हो रहा है नीचे साइड राइट साइड में तो उसको पॉजिटिव लेंगे ठीक है ओके सो रिस्पेक्ट टू लेफ्ट इज पॉजिटिव ठीक है हम बात करते हैं ठीक हम बेसिकली हम यहाँ पे मूवमेंट को कंसीडर करेंगे मूवमेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो पहला वाला एक साइन कन्वेसन हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला वाला साइन कन्वेसन को फॉलो करेंगे क्या फॉलो है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेने वाले हो एंटी क्लॉक मूवमेंट को हम नेगेटिव लेने वाले हैं बस इसी को कंसिडर करेंगे तो हम निकालते हैं तो हमारे, पा जो तो तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी अगर ए पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो फाइनल मूवमेंट हमारे पास होगा एम ए बी इसको एम ए बी ठीक है एम ए बी यानी कि हम ए पॉइंट को देखेंगे तो ए पॉइंट पे जितने भी मूवमेंट्स होंगे क्लॉक डायरेक्शन के उसको हम पॉजिटिव लिखते चले जाएंगे नेगेटिव होंगे मीन्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन को उसको नेगेटिव लिखते चले जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं हम पहले वाला कंडीशन मींस फिक्स एंड मूवमेंट वाला तो यहाँ पर हमारे पास जो ए पर मूवमेंट आ रहा है वो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक सिंपल समझ में आ रहा है एंटी क्लॉक तो हम क्या लिखेंगे इसको माइनस एम ए बार ठीक है दूसरा केस दूसरा आ, दूसरा केस पहला पहला स्टेप होगा okay, दूसरा स्टेप दूसरे स्टेप में इस ए पॉइंट पर जो मूवमेंट आ रहा है वो क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज है और उसका मूवमेंट की वैल्यू है फोर ई आई अपॉन एल इंटू आई ए तो क्लॉक वाइज मूवमेंट है तो उसको लिख देते हैं प्लस फोर ई आई अपॉन एल आई नाउ थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या है थर्ड स्टेप में हमारा जो मूवमेंट आ रहा है ए पॉइंट वो एंटी वाई डायरेक्शन में आ रहा है उसके वैल्यू कितनी है टू ई आई अपॉन एल इंटू आई बी तो उसको भी लिख देते हैं अल्टीक्लॉक वाई तो माइनस का होगा माइनस टू ई आई अपॉन एल आई बी ओके आई बी ठीक है और लास्ट स्टेप में हमें क्या देखना डिफ्लेक्शन कंडीशन देखें डिफ्लेक्शन में हमारे पास ए पॉइंट पे मूवमेंट नेगेटिव आर में तो एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है तो उसको भी हम नेगेटिव साइन के लिखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सिक्स ई आई बाई एल स्क्वायर इन टू ठीक है ये हमारे पास एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गई है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम देखते हैं कि एम ए बी इज्कल टू माइनस एम ए बी बार अब इस पूरे 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 तीन इक्व तीन टर्म्स में टू ई आई अपन एल कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं तो प्लस करते हैं हम लेते हैं टू ई आई बाई एल और जो बचा उसका टर्म होता है वो अंदर लिख देते हैं तो यहाँ पे बचेगा टू आई होगा माइनस आई बी और यहाँ पर होगा माइनस थ्री डेल्टा बाई बस यही इक्वेशन हमारी कहलाती है स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर द मूवमेंट एट पॉइंट ए ठीक है

डिफ्लेक्शन ओके सिंपल तरीके से हमने ए जॉइंट पर निकाल लिया इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट आई बी बी एम ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो एम बी ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं एम बी ए की वैल्यू निकालेंगे तो एम बी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम बी पॉइंट को कंसिडर करेंगे बी पॉइंट हमारे पास कहाँ है बी पॉइंट हमारे पास ये रहा बी पॉइंट को कंसीडर करेंगे बी पॉइंट के हमारे पास इस पॉइंट पर मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज वाइज है कंट्री क्लॉकवाइज, वाइज सिंपल तरीके से क्लॉक वाइज है तो हम यहाँ पर फिक्स एंड मूवमेंट को रखेंगे प्लस का एम बी ए बार नाउ फिर हम देखेंगे दूसरा केस यहाँ पर यहाँ पर जो ओ, हाँ सही है यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो मूवमेंट है यहाँ पर क्लॉक वाइज है कंट्री क्लॉक वाइज है क्लॉक वाइज है तो उसको रखेंगे वैल्यू हम प्लस टू ई आई एफ एल आई ठीक है फिर हम बात करते हैं इस जगह पे इस पे पर जगह पर मूवमेंट हमारा कैसा है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज है एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर जो मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरीके से मूवमेंट नहीं लगेगा यहाँ पर मूवमेंट अपोजिट साइन का लगेगा ठीक है कर दिया आप सही है ओके तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने देखा इधर तो ये साइन है हमारे पास यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा और हमारे पास जो साइन नेगेटिव का बन जाएगा माइनस उसी तरीके से अगर हम आ, इसकी बात करें इस दूसरे केस की तो यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट आ रहा है पॉजिटिव का फोर ई आई अपॉन एल आई बी उसको लिख देते हैं प्लस फोर ई आई अपन एल आई बी और लास्ट में डिफ्लेक्शन का जो मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस का सिक्स ई आई अपॉन एल स्क्वायर इंटू डेल्टा क्योंकि हमारे पास मूवमेंट आता था वो नेगेटिव ही आता यहाँ पर जो मूवमेंट आता था वो एंटी क्लॉक वाइज आता था सिक्स ई आई अपॉन एल स्क्वायर डेल्टा ठीक है दिस इज द फाइनल इक्वेशन इसी को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एम बी ए हमारे पास बन जाएगा प्लस का एम बी ए बार यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर कॉमन ऑलरेडी टू ई आई अपॉन एल कॉमन आ रहा है हमारे पास बन जाएगा माइनस का आई ए प्लस टू आई बी माइनस थ्री डेल्टा अपॉन एल इसको और सही से लिख ले रहा है क्योंकि बी की बात करी जा रही है तो एम बी ए इज एजक्वल टू एम बी ए बार प्लस टू ई आई अपॉन एल टू आई बी को इधर लिख देते हैं टू आई बी माइनस आई ए माइनस थ्री डेल्टा अपॉन एल तो अगर सिक्वेशन में हमारे पास डेल्टा होता है तो डेल्टा रखते हैं डेल्टा नहीं होता है तो डेल्टा नहीं रखते हैं तो यहाँ पर जो एम बी ए है बार है वो फिक्स एंड मूवमेंट एट बी है और एम बी हमारे पास फाइनल एंड मूवमेंट है एट द पॉइंट ऑफ बी इस तरीके से हम किसी भी ये हमने बेसिकली एक स्लोव रिफ्लेक्शन इक्वेशन की स्लोव रिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने जनरेट कर ली है किसी भी एक कंटिन्यूस बीम फिक्स बीमेट बीम की इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर भी एम ए बी की बात करें तो एम ए बी बार हमारे पास है फिक्स एंड मूवमेंट एट ए ओके ठीक है तो हमने एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को जनरेट कर लिया है यहाँ पर सिंपल समझ सकते हैं इधर मूवमेंट लगाया तो उसका अपोजिट आएगा इधर मूवमेंट लगाया तो उसका अपोजिट आएगा हमने वैसे साइन कर दिया था तो समझ गए सभी लोग इस तरीके से हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं नाव अगली क्लास में हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे उसको हम स्लो डिस्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे एक कंटिन्यूस बीम या एक फिक्स बीम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फ्रेम की और आपको तीनों केस के बारे में समझाएंगे, हम दोनों डिफ्लेक्शन और स्लोप के दोनों कंसीडर करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ठीक है तो आज की क्लास में हम इतने रखते दिस इज ऑल अबाउट टू क्लास थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास